दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पांवटा साहिब। सुकेती खड्ड में खनन की अनुमति रद्द करने को लेकर किसानों ने आवाज उठाई है। छात्र पंचायत के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को मंडी एसडीएम के माध्यम से माइनिंग ऑफिसर मंडी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि सुकेती खड्ड में दी गई खनन की अनुमति रद्द की जाए। उनका कहना था कि खनन से पानी का स्तर और नीचे चला जाएगा और जो किसान अपनी भूमि में फसल उगाते हैं नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि भूमि बंजर हो जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा है कि अगर खनन बंद ना हुआ तो सरकार व प्रशासन के खिलाफ आंदोलन होगा। मेरा नाम राजकुमार जी, मैं मेरा गांव सुंगरण है, छात्र पंचायत है और वहाँ खड्ड के किनारे हमारे खेती बाड़ी का काम है, तो उसमें अब वहाँ माइनिंग वाले ऑक्शन करा रहे हैं ठेकेदारों को, जिसकी वजह से हमारी सारी खेती बर्बाद हो जाएगी और कुएं वगैरह सूख गए हैं सारे, तो जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। इसलिए हम डीसी साहब मंडी से मिलने आए हुए हैं, तो निवेदन करते हैं कि ये ऑक्शन कैंसिल होनी चाहिए और किसी भी तरह से यहाँ भूमि कटाव नहीं होना चाहिए खड्ड में, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन बर्बाद हो रही है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत छात्र आज डीसी साहब से मिलने आए थे कि हमारे जो सुकेती खड्ड है उसमें जो माइनिंग वालों ने जो ठेके देने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से जैसे ही खनन शुरू होगा और खड्ड का स्तर जो है पानी का स्तर जो नीचे जाएगा, जिसमें हज़ारों बेरोजगार जो हमारे ग्राम पंचायत छात्र के नियर गांव है, सगान है, उसमें कन्या है, उसके जो बेरोजगार लोग हैं वो मटर उगा रहे हैं, तो पानी की बहुत किल्लत होगी और जो भी हमारे पुराने कुएँ थे वो भी उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सूख जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है 1.5-2 हज़ार परिवार वहाँ प्रभावित होंगे। तो हम डीसी साहब से निवेदन करते हैं और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि उसको रद्द कराया जाए, ताकि लोगों के बेरोजगारों को देखते हुए इस उचित फैसला लिया जाए। तो प्रतिलिपि हमने की माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, हमने उसकी प्रतिलिपि की है, उनसे भी हम निवेदन करते हैं और माइनिंग वालों को भी उनसे प्रतिलिपि की है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पिछले 25 वर्षों से अपनी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा व बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्थान में जीएनएम नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, बीडीएस, एमडीएस के साथ साथ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा व सेवाओं में ग्रुप बेहतरीन कार्य कर रहा है। यहाँ से नर्सिंग को फार्मकेयर की शिक्षा प्राप्त कर छात्र छात्राएं प्रदेश व पड़ोसी राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। संस्थान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षित फैकल्टी उपलब्ध है। इसके साथ साथ संस्थान पांवटा साहिब में चैरिटेबल अस्पताल भी चला रहा है। संस्थान भविष्य में भी बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।